बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बैठी हुई तमाम सियासी समाजी साफ़ती तमाम तंजीमों के जो कायदीन बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए इंतहाई मुश्किल मरहला है कि मैं अपने साथी अपने जदोजहद के साथी मुतरूब इनकलाबी के लिए मरहूम का लफ्ज कहूँ। मैंने वलीद इनकलाबी को कॉल की, इनसे कहा कि जो मुतरूब इनकलाबी साहब आज हम में मौजूद नहीं है, ये आपके घर का आपके ख़ानदान का दुख होगा, लेकिन ये दुख मेरा भी है, मेरी पार्टी का भी है और पूरी रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी है। इसलिए कि मुतरूब इनकलाबी साहब सिर्फ एक फ़र्द नहीं थे, वो एक सोच थे, एक नज़रिया थे और एक तहरीक थे। उनके बारे में कोई बात करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है कि मुझे अभी तक ये लग रहा है कि जैसे हम सब में मुतरूब इनकलाबी मौजूद है। वो कहते हैं ना कि बुलिया ऐसा मरना नहीं, गौर प्या कोई होर। तो मुझे यही लग रहा है कि इतना बड़ा काफिला जो उनको दफनाने के लिए गया था वो मुतरूब इनकलाबी नहीं था, वो कोई और था। सिर्फ मैंने वलीद इनकलाबी से एक बात कहनी है कि मुझे पता है कि वलीद इनकलाबी आपको जो नाम मिला वलीद मुतलूब इनकलाबी, आपके लिए उस नाम के साथ चलना, उस नज़रिए के साथ चलना आसान बात नहीं है, लेकिन आपके लिए ये खुशी और एजाज की बात है कि आपके वालिद के जो साथी थे, जो उनके जदोजहद के साथी थे, वो सारे आज आपके साथ खड़े हुए हैं। आपको कोई नया सफ़र नहीं करना। आपके जो वालिद ने आपके लिए असासा छोड़ा है, हमेशा मैं ये समझती थी कि जो विरासत होती है वो जायदाद होती है, लेकिन आज मुझे पता चला कि विरासत सिर्फ जायदाद नहीं होती, वो नज़रिया भी होता है, वो सोच भी होता है और वो आपको अपने वालिदैन की तरफ से मिली हुई जो मोहब्बतों का सिलसिला होता है वो भी होता है। तो आपके वालिद जो आपके लिए असासा छोड़ के गए हैं, जो विरासत छोड़ के गए हैं, जो जायदाद छोड़ के गए हैं, वो जायदाद वो असासा आज आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी साफ़ती और समाजी शख्सियात ने आकर उनको पेश किया है। मुझे पता है कि आपके लिए ये असासा लेकर चलना कोई आसान सफर नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद मुतलूब इनकलाबी को इनकलाबी बनने के लिए जिंदगी की 40 साल जदोजहद की 40 साल उन्होंने दिए। उनकी वफात के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, हम में वो खिला पैदा हो गया है कि शायद उसका पूरा होना बहुत मुश्किल है, और आज़ाद कश्मीर के लिए, नौजवानों के लिए, अपने कबीले के लिए बहुत साल लगेंगे। एक वाकया सिर्फ एक मुख्तसर सा, मुझे पता है कि टाइम थोड़ा है, लेकिन शायद मैं एक खातून हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शायद जेंडर की बुनियाद पर हम वो भी नहीं करते, तो मैं एक आध मिनट ज़्यादा लूँगी। तो मोहम्मद मुतलूब इनकलाबी साहब और मियां वही साहब असम्बली में साथ साथ बैठते, वो दोनों एक दूसरे से बात करते, फिर हाथ पर हाथ मारकर हंसा करते। तो अपोजिशन की तरफ से मुझे कहा जाता, इशारा किया जाता कि आप इनको रोकें। मैं उनको एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तो वो उनका हंसने का और बात करने का सिलसिला नहीं रुकता था। तो फिर मैंने कहा कि मैं आज इस असम्बली के दो शरारती बच्चे मोहम्मद मुतलूब इनकलाबी और मियां वहीद को मैं वही इस असम्बली के शरारती बच्चे डिक्लेयर करती हूँ, और आज मुझे लग रहा है कि वो शरारती बच्चा चारों तरफ से जरगार किए हुए है कि मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ। इनकलाबी तुम इनकलाबी थे कि वो कहते हैं ना कि फुला बीचू फुल गुलाबी, मुतलूब इनकलाबी, मुतलूब इनकलाबी। एक शेर कह के मैं बस कि बिछड़ा कुछ इस अदास है कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर दिया। बहुत शुक्रिया।